स्वाति मालीवाल पर हुए हमले को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने जो प्रतिक्रिया दी है उसे स्वाति के पूर्व पति नवीन जिंदर ने एक्टिंग करार दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में दावा किया है कि स्वाति पर जो हमला हुआ उसके बारे में संजय सिंह को जानकारी दी थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि स्वाति की जान को खतरा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना के बीच स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जय हिंद ने मंगलवार को दावा किया कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख को जान का खतरा है। नवीन जय हिंद ने कहा कि संजय सिंह को कैमरे के सामने नाटक करना बंद करना चाहिए क्योंकि उन्हें हर चीज की जानकारी है। नवीन जय हिंद का स्वाति मालीवाल के साथ 4 साल पहले ही तलाक हो चुका है। एक्स पर एक वीडियो संदेश में नवीन जय हिंद ने कहा कि मैं नवीन जय हिंद हूँ, कल से मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसके बारे में पत्रकारों के बहुत सारे फोन आ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तलाकशुदा हूँ और पिछले 4 साल से उसके संपर्क में नहीं हूँ। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वाति के साथ जो कुछ भी हुआ वह योजनाबद्ध था। अब उसे धमकी दी गई है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मालीवाल के पूर्व पति ने आगे कहा कि उन पर कथित हमला किसी के इशारे पर हुआ था। नवीन जयहिंद ने कहा कि जिस आदमी ने स्वाति पर हमला किया है उसमें आवाज उठाने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन उसने किसी के निर्देश पर ऐसा किया। मैं सिर्फ संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और उनसे कहना चाहता था कि उन्हें एक्टिंग करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि वे जानते हैं सब कुछ। स्वाति को खड़ा होना चाहिए और अपने लिए बोलना चाहिए। नवीन जय हिंद ने कहा कि आप किस बात से डरती है, बोलिए, हम सब आपके साथ हैं। संजय सिंह ने वीडियो में बताया कि इसके बाद स्वाति मालीवाल ने 112 नंबर पर फोन कॉल करके पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। संजय सिंह का यह भी कहना है कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस घटना को संज्ञान में लिया है और सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल को देश समाज के लिए बड़ा कार्य करने वाली महिला बताते हुए कहा कि वो पार्टी की वरिष्ठ नेताओं में से एक है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने अभी तक अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया है। पुलिस ने कहा कि वह शिकायत के लिए कुछ और समय इंतजार करेगी। अगर स्वाति मालीवाल की ओर से अभी भी कोई शिकायत नहीं मिलती है तो दिल्ली पुलिस उनसे संपर्क कर सकती है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक PCR कॉल का मतलब आपात स्थिति में पुलिस से मदद मांगना है, न कि कोई शिकायत दर्ज करना। शिकायत तभी दर्ज की जाती है जब शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन में लिखित रूप से अपनी शिकायत दर्ज कराता है। खैर, आपका क्या कहना है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।